इस बार का प्रो कबड्डी का ऑक्शन रिकॉर्ड ब्रेकिंग था, लेकिन दूसरी साइड की तरफ देखा जाए तो हार्ट ब्रेकिंग भी था। कुछ ऐसे बड़े नाम जो इस बार के ऑक्शन में अनसोल्ड गए। अब आपको अनसोल्ड प्लेयर्स के बारे में नहीं पता चल रहा है, इस वीडियो में आपको 22 खिलाड़ियों के बारे में बताने वाला हूँ जो अनसोल्ड गए एंड क्या रीजन था अनसोल्ड जाने के पीछे, इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, PKL 11 के और अमेजिंग वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे। शुरुआत करते हैं सबसे बड़े नाम के साथ, तो राहुल चौधरी हो चुके हैं अनसोल्ड, इस बार के प्रो कबड्डी सीजन में नहीं खेलने वाले हैं। अब इन्होंने ये क्लियर कर दिया था कि अगर अनसोल्ड जाते हैं तो रिटायरमेंट ले लेंगे। तो क्या राहुल चौधरी अब PKL से रिटायरमेंट लेंगे? अब इन पे ऑफिशियल कंफर्मेशन राहुल चौधरी खुद देंगे, शायद से कुछ महीनों के अंदर या फिर कुछ दिनों के अंदर। उम्मीद करते कि ऐसा कुछ ना हो। पिछले सीजन जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम में खेले थे, 4 मैच में 6 रेड पॉइंट्स ही इन्होंने स्कोर किया था, तो ये एक रीज़न हो सकता है कि जयपुर की टीम ने भी इन पे बिड नहीं किया। दूसरे बड़े खिलाड़ी दीपक निवास हुड्डा है, एक ऑलराउंडर है एंड दीपक निवास हुड्डा ना ही सीजन 10 में सोल्ड हुए थे एंड ना ही सीजन 11 में भी सोल्ड हुए थे। सीजन 9 में बंगाल वॉरियर्स से लास्ट टाइम दीपक निवास हुड्डा खेलते हुए दिखे। अगला बड़ा नाम संदीप नरवाल का है जो कि ऑलराउंडर है, ये भी सोल्ड नहीं हुए, अनसोल्ड गए हैं एंड इनको भी लास्ट टाइम प्रो कबड्डी सीजन 9 में हम सभी ने देखा था, यूपी योद्धास की टीम से इन्होंने खेला था। अगले खिलाड़ी विशाल भारद्वाज है, ये बड़ा नाम है जिन्हें किसी टीम ने भी नहीं खरीदा एंड ये थोड़ा सा शॉकिंग है। लेफ्ट कॉर्नर के बेहतरीन डिफेंडर है, पिछले सीजन दबंग दिल्ली की टीम से खेले थे, 19 मैच में 36 टैकल पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया। तो ये हो सकता है कि सभी टीमों के पास ऑलरेडी लेफ्ट कॉर्नर का बेहतरीन डिफेंडर है, तो इसी के कारण विशाल भारद्वाज को किसी ने भी पिक नहीं किया। लेकिन तभी भी आप आंकड़ों पर नजर डालो तो विशाल भारद्वाज को बेस प्राइस पे तो एटलीस्ट कोई टीम खरीद सकती थी। अगला नाम यहाँ पे रोहित गुलिया का आ रहा है जो कि ऑलराउंडर है, रोहित गुलिया भी अनसोल्ड गए हैं। पिछले सीजन गुजरात जायंट्स की टीम से खेले थे, 16 मैच में 50 रेड पॉइंट्स एंड 1 टैकल पॉइंट इन्होंने स्कोर किया। सो अगर आप इनके परफॉर्मेंस को देखोगे, जब से पटना पायरेट्स को छोड़ा है इनका परफॉर्मेंस डाउन हुआ है एंड ये एक वजह हो सकता है कि किसी भी टीम ने रोहित गुलिया पे बिड नहीं लगाया। अगले खिलाड़ी अभिषेक सिंह है जो कि बेहतरीन रेडर थे एक टाइम पे जब यू मुंबा के टीम से खेलते थे, फिर टीम बदलते गई एंड पिछले सीजन बेंगलुरु बुल्स में आए, ज़्यादा मौका नहीं मिला, सिर्फ 4 मैचेस खेले एंड उन 4 मैचेस में 3 रेड पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया एंड इस बार किसी भी टीम ने अभिषेक सिंह को नहीं खरीदा है। इसका मतलब ये नहीं कि अभिषेक सिंह बेकार रेडर है, अच्छे रेडर है, लेकिन अब कोई भी टीम नहीं चाहती कि अभिषेक सिंह को खरीदे। फिर अगले खिलाड़ी की बात की जाए तो अगले खिलाड़ी के प्रपंचन है, के प्रपंचन भी काफ़ी अच्छे रेडर है, पिछले सीजन हरियाणा स्टीलर्स की टीम में थे, 12 मैचेस में 22 रेड पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया, परफॉर्मेंस इनका बेकार था, इसी के कारण मुझे लगता है कि किसी भी टीम ने इनको पिक नहीं किया। एंड अगले प्लेयर की बात की जाए तो अगले प्लेयर CR66 से चंद्र रंजीत, किसी भी टीम ने CR66 को नहीं खरीदा है। वैसे तो ऑक्शन में बहुत ही महंगे पिक होते हैं, पिछले सीजन हरियाणा की टीम ने खरीदा था, इससे पहले गुजरात जायंट्स की टीम में थे एंड जब हरियाणा स्टीलर्स की टीम में आए तो एक रीज़न हो सकता है कि इंजरी के कारण ज़्यादा मैचेस नहीं खेल पाए, इनका जो हाथ था वो एक हिसाब से टूट गया था या फिर आप कह सकते हो क्रेक आ गया था और प्री ऑक्शन में हमें फोटोज़ देखने को मिले थे। 4 ही मैच खेले, उन 4 मैचेस में 31 रेड पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया। अगले रेडर की बात की जाए तो अगले एक मोनू गोयत है, इनको भी किसी टीम ने भी नहीं खरीदा। पिछले बार हमने प्रो कबड्डी सीजन 9 में मोनू गोयत को देखा था, तेलुगु टाइटंस की टीम से खेले थे, सीजन 10 में भी अनसोल्ड गए, सीजन 11 में भी मोनू गोयत को किसी भी टीम ने नहीं खरीदा है। अगला नाम बहुत ही बड़ा है, रजनीश भी अनसोल्ड हो चुके हैं, ये किसी ने भी सोचा नहीं था एंड तेलुगु टाइटंस की टीम से पिछले सीजन खेले थे, 7 मैचेस में 23 रेड पॉइंट्स एंड पिछले सीजन इंजरी से काफ़ी ज़्यादा जूझ रहे थे, रूल आउट हो गए थे, जिसके कारण मुझे लगता है कि किसी टीम ने भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। 11 प्लेयर्स के नाम बता दिए, अभी भी 11 प्लेयर्स बचे हैं। इससे पहले आपको बता देना चाहता हूँ, प्रो कबड्डी सीजन 11 के जितने भी अपडेट्स आएंगे वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। ऑक्शन का कवरेज रिसेंटली काफ़ी अच्छे तरीके से हुआ, सभी टीम्स के जो स्क्वाड है एंड जितने भी अमेजिंग स्टैट्स होंगे वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। आप सिंपली ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, जो पहला लिंक मिलेगा उस पर क्लिक कीजिए, फटाफट ज्वाइन हो जाइए। स्टार्टिंग डेट्स के ऊपर जो भी एक्सक्लूसिव अपडेट्स आएंगे सबसे पहले वहीं पे मैं शेयर करने वाला हूँ।
अगले खिलाड़ी की बात करते हैं तो अगले रोहित कुमार है, जिसे आप अक्की भी कह सकते हो। रोहित अक्की, इनको भी किसी टीम ने भी नहीं खरीदा। सीजन 9 में लास्ट टाइम हमें खेलते हुए दिखे थे गुजरात जायंट्स के टीम से, जब इनको मिड सीजन साइन किया था या फिर सीजन से पहले साइन किया था, एंड पिछले सीजन भी अनसोल्ड गए एंड सीजन 11 के ऑक्शन में भी अनसोल्ड गए हैं रोहित कुमार। अगले प्लेयर की बात करते हैं, अगले है हरेंद्र कुमार। यूपी योद्धास के लेफ्ट कवर के डिफेंडर हरेंद्र कुमार भी अनसोल्ड गए हैं। पिछले सीजन यूपी योद्धास की टीम में खेले थे, 15 मैचेस में 14 टैकल पॉइंट्स, ओवरऑल ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस था, स्टिल किसी टीम ने भी इन पे बिड नहीं लगाया। अगले खिलाड़ी सुरेंद्र नाड़ा है, जो कि लेफ्ट कॉर्नर के बेहतरीन डिफेंडर है, लेकिन अब नहीं लगता है कि सुरेंद्र नाड़ा को कोई भी अपने टीम का लेफ्ट कॉर्नर का डिफेंडर के तौर पे चुनना चाहती है। पिछले बार हमें प्रो कबड्डी सीजन 9 में बंगाल वॉरियर्स की टीम की तरफ से सुरेंद्र नाड़ा खेलते हुए दिखे, एंड अब मुझे नहीं लगता है कि सुरेंद्र वापस प्रो कबड्डी में आ पाएंगे। अगले डिफेंडर की बात की जाए तो अगले संदीप धुले, जो कि बहुत ही बड़ा नाम है, पिछले सीजन भी अनसोल्ड गए थे, लेकिन तेलुगु टाइटंस की टीम ने लीग स्टार्ट होने से एक हफ्ते पहले ही इनको साइन किया था। वैसे परफॉर्मेंस इतना भी बुरा नहीं है, 16 मैचेस में 37 टैकल पॉइंट स्कोर किया। अब ये कह पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि आखिर क्यों इनको किसी टीम ने भी नहीं खरीदा। बेहतरीन लेफ्ट कॉर्नर का डिफेंडर है, लेकिन एट द एंड संदीप धुल हो चुके हैं अनसोल्ड। अगले खिलाड़ी की बात करते हैं तो सुरेंद्र सिंह भी अनसोल्ड गए हैं, प्रो कबड्डी सीजन 11 में खेलते हुए नहीं दिखेंगे। राइट कवर के बेहतरीन डिफेंडर, यू मुंबा से पिछले सीजन खेला था, 18 मैचेस में 29 टैकल पॉइंट्स, ओवरऑल ठीक ठाक की परफॉर्मेंस, लेकिन किसी टीम ने भी इनको नहीं खरीदा। अगले प्लेयर की बात की जाए तो संदीप कंडोला भी अनसोल्ड हुए। स्टार्टिंग के जो प्रो कबड्डी के सीजन्स होते थे उसमें बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए, फिर बाद में गैप किए, सीजन 8 में वापस प्रो कबड्डी में एंटर किए। पिछले सीजन की बात की जाए तो संदीप धुल पिछले सीजन भी अनसोल्ड गए थे, सीजन 9 में गुजरात जायंट से खेले थे। एंड देखा जाए तो पिछले दो ऑक्शन में संदीप कंडोला को किसी टीम ने भी नहीं खरीदा है। अगले खिलाड़ी यहाँ पे सौरभ गुलिया है, जो कि राइट कवर के डिफेंडर है, गुजरात जायंट्स के टीम में पिछले सीजन खेले थे एंड 8 मैच खेले, 8 के 8 पॉइंट्स इन्होंने उन 8 मैचेस में स्कोर किए, एंड परफॉर्मेंस इनका बहुत ही ज़्यादा डाउन हुआ है। ये वजह हो सकता है कि किसी टीम ने भी सौरभ गुलिया को पिक नहीं किया है। अगले प्लेयर यहाँ पे सचिन चंद्रशेखर है, जो कि पटना पायरेट्स के लेफ्ट कवर के डिफेंडर, कितने सीजन से खेलते आ रहे हैं, लेकिन इस बार पटना पायरेट्स की टीम ने भी इनको नहीं खरीदा। पिछले सीजन सिर्फ 5 ही मैचेस खेले, उन 5 मैच में इन्होंने 7 टैकल पॉइंट स्कोर किया था, तो सजिन इस बार के पीकेएल 11 में हमें खेलते हुए नहीं दिखेंगे। अगले यहाँ पे अरकम शेख है, जो कि ऑलराउंडर है। पोजीशन की बात की जाए तो लेफ्ट कवर पे डिफेंस भी करते हैं, गुजरात जायंट्स के टीम में पिछले सीजन खेले थे, 9 मैचेस में 6 टैकल पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया, तो आपको वजह पता चली गया होगा, लो परफॉर्मेंस ये रीजन है जिसके कारण अरकम शेख को भी किसी टीम ने पिक नहीं किया। अगले खिलाड़ी रन सिंह रनिया भी अनसोल्ड जा चुके हैं, लेफ्ट कॉर्नर के बेहतरीन डिफेंडर है एंड बेंगलुरु बुल्स की टीम में पिछले सीजन थे, 14 मैचेस में 2 रेड पॉइंट्स एंड 25 टैकल पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया, परफॉर्मेंस तो ठीक ठाक था, लेकिन किसी टीम ने भी क्यों नहीं पिक किया ये कह पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एंड आखिरी प्लेयर है सचिन नरवाल, जो कि बेंगलुरु बुल्स के बेहतरीन ऑलराउंडर थे, पिछले सीजन बुल्स की टीम में थे एंड इस बार किसी टीम ने भी खरीदा नहीं। पिछले सीजन 14 मैचेस में 2 रेड पॉइंट्स, 25 टैकल पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया, परफॉर्मेंस डाउन था, ये एक वजह हो सकता है कि सचिन नरवाल अनसोल्ड गए। सो गाइस, ये थे मेरे हिसाब से 22 बड़े खिलाड़ी जो इस बार के ऑक्शन में अनसोल्ड गए, क्या वजह था मैंने आपको बता दिया, एंड प्रो कबड्डी सीजन 11 शुरू होने से पहले सभी टीमों की किस तरीके से स्क्वाड दिख रहा है। आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा तो लेफ्ट साइड पे क्लिक करके देख सकते हो एंड राइट साइड पे चैनल का लेटेस्ट वीडियो शो हो रहा होगा, आप वो वाला वीडियो को क्लिक करके देख सकते हो। मिलते हो उसी वीडियोज़ में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।